उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो इंसान ऐसा है ना। सुशांत सिंह राजपूत, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जस्ट एक नाम है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये वो इंसान है जो मतलब जो एक्टर है जो मूवीज और सीरियल्स टीवी सीरियल्स में जो एक्टिंग करता है, बट मेरे लिए ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ अचानक से। तो देखो, ये चीज़ मैंने कभी भी कहीं भी मैंने मेंशन नहीं की। मेरी लाइफ के दो मेंटर्स हैं, पहला गैरी वेनरचक एंड सेकंड वन इज सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान है, लाइक मेरा इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर केवल दो लोगों के नोटिफिकेशंस आते हैं, जो पोस्ट नोटिफिकेशन होते हैं, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत एंड गैरी वेनरचक। यार कैसे बोलूं? एक चीज़ हुई है आज जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। लाइक आई थिंक मुझे 12 बजे के आसपास में, मुझे 12 1 बजे के आसपास मुझे ये न्यूज़ पता लगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, अपने बैंड्रा के अपने घर के अंदर सुसाइड कर लिया। एंड ये इतनी ज़्यादा हिट हुई ना मुझे कि लाइक 3 से 4 घंटे मैं अनकॉन्शियस रहा। वाज लाइक कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल? लाइक सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान है जो मतलब इतना स्पिरिचुअल, इतना पॉजिटिव बंदा है ना, कि उससे मैं बहुत ज़्यादा सीखता था एक्चुअली में। जो भी स्टोरीज, जो भी पोस्ट डालते थे सुशांत सिंह राजपूत, जो भी ट्वीट करते थे, उसका कहीं ना कहीं उसका सेंस बनता था। वो एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे मेंटर किया, जितना भी मैंने स्ट्रगल किया, जो भी आज मैं हूँ, जो भी मैं करता हूँ, जो भी आगे के एम्बिशन के लिए, जो भी आगे की इंस्पिरेशन है, उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो इंसान ऐसा है ना जिसने मुझे वो गाइडेंस दी, जिसने मुझे वो मतलब अंदर से करेज दिया कि तू कर सकता है। कि सबसे बेस्ट चीज़ जो सुशांत सिंह राजपूत से जो मैंने सीखी, जो उन्होंने जो मुझे सिखाई है, जो उनके इंस्टाग्राम स्टोरी और जो पोस्ट जो मैंने सीखी है, दैट इज़ कि वो सारे के सारे ड्रीम्स आप पूरे कर सकते हो। जो आपने देखे बचपन में देखा हो, चाहे बड़े में देखा हो, चाहे टीनेज में देखा हो, कभी भी देखो, चाहे आप एडल्ट हो तब देखो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान है जिसने मतलब अपने बचपन में एक छोटा भी अगर उसने ड्रीम देखा तो वो उसने पूरा करने की कोशिश की। उस टाइम पर उसके पास पैसे या फिर वो चीज़ नहीं थी, तो इस टाइम पर उसने की। एंड उसकी ना उसकी जो मतलब सुशांत सिंह राजपूत की मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती थी वो पता क्या है? सारे के सारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, जो आपने लाइफ में किसी भी टाइम पर कभी भी कुछ भी ड्रीम आपने देखा, वो उस बंदे ने एक लिस्ट बनाई, उसके ऊपर लिखा एंड टिक मार्क कि ठीक है ये हो गया, ये कर लिया, ये कर लिया। एंड जब मैंने ये सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ ना सुशांत सिंह राजपूत, आई वाज लाइक जो मुझे अंदर से जो मुझे एडनल आता है कि यार कि ब्रो तू कर सकता है, तू कर, आने वाले टाइम में जो ड्रीम्स अभी तू पूरे नहीं कर पा रहा ना, वो ड्रीम्स तू बाद में पूरे करेगा, जब तेरे पास पैसा भी होगा, फेम होना हो, पैसा भी होगा एंड तेरे पास में उतनी ताकत होगी कि तू वो कर सके। वो जो चीज़ है ना, वो मुझे मतलब हमेशा वो मुझे इंस्पायर करती है। एंड आज के लिए सबसे ज़्यादा दुखद दिन है मेरे लिए, वन ऑफ दी सैडेस्ट मोमेंट है आज मेरे लिए, कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। एंड न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा भी सुनने में आया कि सुशांत सिंह राजपूत लास्ट 6 महीने से वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे थे डिप्रेशन के। मतलब समझ लो, जो इंसान मतलब इतनी अच्छी, इतनी प्यारी स्माइल हर टाइम वो बंदा, मतलब इतना एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा स्माइलिंग रहता है, अब अगर वो 6 महीने से अगर वो मेडिकल सपोर्ट पे था, देन पता नहीं कितने टाइम पहले से उसके साथ में वो चल रहा होगा। एंड फन फैक्ट पता है क्या है, कि कल ही मैंने एक मेंटल हेल्थ के ऊपर, मैंने डिप्रेशन के ऊपर कल एक मैंने पॉडकास्ट जो है वो शूट किया है, जो मतलब एडिट करूँगा उसके बाद में। अलग अलग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग वीडियो प्लेटफॉर्म, हर जगह वो पॉडकास्ट जाने वाला है मेरा। सो प्लीज़ चेक, देख लेना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस पॉडकास्ट के अंदर मैंने डिप्रेशन, पेरेंटिंग कि लाइक किसी भी इंसान की, किसी बच्चे की मेंटेलिटी को लेकर, मेंटल स्टेट को लेकर के कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड कितने ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें इनसे कैसे डील करना है, तो एक बार प्लीज़ जाकर के आप देख लेना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस चीज़ के बारे में, कि जस्ट सिंह रेस्ट इन पीस लेजेंड सुशांत सिंह राजपूत एंड कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई नो यार, ये आई डोंट नो आपके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग है, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। एंड आज के टाइम पे ना मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है, डिप्रेशन और इन सब चीज़ों को लेकर कितनी ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर के बात करना। तो मैं केवल आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से बात करें। एंड अगर आपका कोई भी दोस्त है जो आपके साथ शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम, चाहे वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे बंदी से रिलेटेड हो, चाहे किसी, प्लीज़ सुन लो, जज मत करो उसको कि आप क्यों। मैंने बहुत सारे मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने झेला है कि दोस्त होते हैं वो जज करने लगते हैं, गाली मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं, प्लीज़ वो मत करो। हो सकता है कि सामने वाले इंसान की अगर आप बात सुन लो तो शायद वो जिंदा हो जाए। तो इसी नोट पर मैं आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। आई नो मैं बहुत लो एनर्जी हूँ, मैं मतलब लाइक मेंटली मैं थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हो गया कि यार चलो छोड़ो, जो भी है, रेस्ट इन पीस लेजेंड एंड कंडोलेंस टू
ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स एंड हिज फ्रेंड्स। बाकी कब मिलते हैं आई डोंट नो, कब मिलेंगे, बट अभी के लिए बाय बाय।